फोर्ब्स 2020 की लिस्ट के हिसाब से सलमान खान ने सिर्फ 2019 में 229.25 करोड़ की कमाई की थी और इंडिया में वो थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले सेलिब्रिटीज में से एक हैं। 2018 में वो पहले नंबर पर थे। उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिल्म, टीवी और ब्रांड इंडोर्समेंट्स, जिसके बारे में सबको पता है, पर इसके अलावा भी उनकी कई सोर्सेस ऑफ इनकम हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सलमान खान हमेशा से ही एक फिटनेस आइकन रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 2020 की एंड तक इंडिया में 300 जिम्स खोलने वाले हैं। ये जिम और फिटनेस सेंटर चेन SK27 नाम से जाने जाते हैं, जिसकी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। अब तक इस फिटनेस चेन के अंदर नागपुर, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, गोवा जैसे कई शहरों में जिम्स खुल चुके हैं। अक्टूबर 2018 में सलमान खान ने फिटनेस इक्विपमेंट कंपनी ज़ेराई फिटनेस के 100% मैन्युफैक्चरिंग राइट्स अक्वायर कर लिए थे। ज़ेराई फिटनेस एक 25 साल पुरानी कंपनी है जो कि एक महीने में ऑलमोस्ट 100 जिम्स को फिटनेस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। सलमान खान ने इस कंपनी को बींग स्ट्रॉन्ग नाम से रिलॉन्च किया है। सलमान खान के इस फील्ड में उतरने का मकसद है कि वो इंडियंस के लिए फिटनेस अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। इस ब्रांड के थ्रू वो ट्रेडमिल, एयर बाइक्स, डंबल्स, चेस्ट प्रेस जैसे कई फिटनेस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। बीइंग स्ट्रॉन्ग के इक्विपमेंट्स अक्रॉस इंडिया 175 जिम्स में इंस्टॉल किए गए हैं। सलमान खान yatra.com के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और इस डील के तहत वो yatra.com के 5% स्टॉक को होल्ड करते हैं। इस डील से सलमान खान के NGO बीइंग ह्यूमन को भी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि yatra.com अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने हर एक ट्रांजैक्शन पर बीइंग ह्यूमन में कुछ मनी डोनेट करे। सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता है। पिछले 10 साल से सलमान खान अपने हर एक इवेंट, कॉन्फ्रेंस और शोज में आपको बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहने नजर आ जाएंगे। 2007 में सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट लॉन्च किया था। फिर 2009 में उन्होंने बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग लॉन्च की। बीइंग ह्यूमन सलमान खान और मंदाना रिटेल वेंचर्स को ऑन करते हैं। बीइंग ह्यूमन 15 कंट्रीज में सेल करती है और इसके 600 स्टोर्स हैं। मिडिल ईस्ट में ही लैंडमार्क ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में इसके 300 स्टोर्स हैं। 2020 तक उनका 1500 स्टोर्स खोलने का टारगेट है। अभी ये कंपनी मेंस वेयर से बढ़कर वीमेंस वेयर, किड्स वेयर, फ्लिप फ्लॉप्स भी बेचने लगी है। इसके अलावा बीइंग ह्यूमन ज्वेलरीज के भी कई स्टोर्स हैं। साथ ही साथ बीइंग ह्यूमन इलेक्ट्रिक बाइक्स की भी एक अलग सेगमेंट है। कंपनी के सेल की 10% प्रॉफिट चैरिटी में जाती है। साल 2017 में इस ब्रांड के तहत 216 करोड़ की सेल हुई थी। सलमान खान खुद की एक टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस SKTV के नाम से रन करते हैं। सलमान खान ये प्रोडक्शन हाउस पेरिस बेस्ड मीडिया हाउस बानीजे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में चलाते हैं। SKTV सक्सेसफुल शोज जैसे कि कपिल शर्मा शो, नच बलिए प्रोड्यूस कर चुकी है। वो एक नई टीवी शो रेसलर गामा पहलवान के लाइफ पर बनाने जा रहे हैं, जिसमें सोहेल खान और साथ निभाना साथिया स्टार नाजिम खान उनके भाई के रूप में दिखेंगे। सलमान खान फिल्म्स एक इंडियन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसे 1999 में सलमान खान ने एस्टैब्लिश किया था। इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनाई गई पहली मूवी थी चिल्लर पार्टी, जिसे 2011 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म्स मिला था। इसके अलावा बजरंगी भाईजान, हीरो, रेस 3, ट्यूबलाइट, नोटबुक, लव यात्री, भारत, दबंग 3 इसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनी है। 2020 में उनकी नई मूवी राधे भी इसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनने वाली है। 2017 में ये खबर आई थी कि सलमान खान अपनी स्मार्टफोन कंपनी बीइंग स्मार्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन वो कर चुके हैं। फिलहाल वो इसके लिए एक ऑपरेशन मैनेजर ढूंढ रहे हैं और एक चाइनीज प्लांट को भी वो चूज कर चुके हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी।
ये स्मार्टफोन मिडिल मार्केट सेगमेंट के लिए लॉन्च होगी, जो ओप्पो Xiaomi जैसे ब्रांड्स के अगेंस्ट होगी। इसके अलावा सलमान खान खुद की एक ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च कर चुके हैं, बीइंग इन टच, जिसके प्ले स्टोर पे 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। सलमान खान ने अपने 50th बर्थडे पे 2015 में ये अनाउंस किया था कि वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट khanmarketonline.com लॉन्च करने जा रहे हैं, पर वो साइट एक लीगल केस में फंस गई क्योंकि साइट का नाम 65 साल पुराने दिल्ली के खान मार्केट से सिमिलर था। हालांकि अब तक ये साइट लॉन्च नहीं की गई है। 2018 में डफ एंड फेल्प्स ने अपने रिपोर्ट में सलमान खान की ब्रांड वैल्यू $55.8 मिलियन बताई है। सलमान खान कई ब्रांड्स जैसे माउंटेन ड्यू, पेप्सी, थम्स अप, सुजुकी, डिक्सी स्कॉट, yatra.com, हिस्ट्री टीवी, व्हील का फेस रह चुके हैं। सलमान खान की पहली टीवी शो थी 2008 में स्टार्ट हुई 10 कदम, जिसने एवरेज 2.8 की TRP गेन की थी। इसके बाद 2009 में भी उन्होंने शो को होस्ट किया। इसके बाद 2010 से बिग बॉस 4 होस्ट करने के बाद उन्होंने बिग बॉस के हर सीजन को होस्ट किया। बिग बॉस 13 के हर एपिसोड के लिए वो 12 से 14 करोड़ चार्ज करते थे। सलमान खान 1989 से बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, पर 2009 के बाद उन्होंने काफ़ी कमर्शियल सक्सेस गेन की। वांटेड, बॉडीगार्ड, दबंग, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, सुल्तान ने सलमान खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में से एक बना दिया। उनकी कई मूवीज 300 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू को अब कोई मैच नहीं कर सकता। रिसेंटली सलमान खान ने फ्रेश नाम से एक ब्रांड लॉन्च की, जिससे उन्होंने पर्सनल केयर और पर्सनल हाइजीन की फील्ड में अपनी पकड़ जमाई। इस ब्रांड के अंदर उनकी फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट है हैंड सैनिटाइजर्स। ये कंपनी सेंटियल्स वर्ल्ड नाम के कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बनाई गई है। इसी ब्रांड के अंदर वो जल्द ही डिओड्रेंट्स, बॉडी वाइप्स और परफ्यूम भी लॉन्च करने वाले हैं।